होना राजनीति में होके रहा। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपने ही संसदीय क्षेत्र में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बछवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे गिरिराज सिंह को उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ खूब नारेबाजी की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गिरिराज सिंह इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में पूरी तरह से एक्टिव हैं और रविवार को वो बरौनी डेयरी में शिलान्यास कार्यक्रम के बाद बछवाड़ा में आयोजित एक शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। इसी दौरान NH 28 पर बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रानी गाँव के पास NH के किनारे खड़े बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने गिरिराज के काफिले को घेर लिया और हाथ में बीजेपी के झंडे के साथ साथ काला झंडा लेकर गिरिराज सिंह वापस जाओ के नारे लगाए। इस हंगामे की वजह से गिरिराज सिंह का काफिला कुछ देर तक NH पर रुका रहा, फिर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने काला झंडा दिखाने वाले लोगों को हटाकर मामला शांत करवाया। उधर गिरिराज सिंह ने कहा, यह सब राजनीति में चलता रहता है। विरोध जितना करना है करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से विरोध करके देश का नुकसान मत करो, देश का नुकसान मत करो। अभी दादा का विरोध भी हुआ है, ये होना राजनीति में होते रहा। गिरिराज सिंह को काला झंडा दिखाने वाले लोगों का कहना था कि गिरिराज ने बेगूसराय में विकास का कोई काम नहीं किया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता सड़क किनारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के स्वागत में खड़े थे और इसी दौरान CPI समर्थित कुछ लोगों ने काला झंडा दिखाया। बेगूसराय से बबलू कुमार की रिपोर्ट।